Hey boys, what's is up? It's Shafaq here. Welcome back again to the new video of Ark Survival Evolved. तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं यहाँ पे अपने मतलब इस मेटल फार्म पे काफ़ी सारे अर्जेंटेविस इधर स्पॉन होते हैं, तो उन लोगों को मैं टैम करने यहाँ पे आया था। तो मैं जब यहाँ पे आया तो सारा सीन अभी सही था, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद जब मैंने उधर को फ्लैट जगह ढूंढ के और ये जब बना दिया, मैंने रैप रेडी कर दिया और यहाँ पे काफ़ी सारे अर्जेंटेविस उड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इधर एक भी अर्जेंटेविस नहीं है, काफ़ी सारे अर्जेंटेविस है इधर। तो जब बहुत सारे अर्जेंटेविस मैंने ढूंढ लिया तो यहाँ पे मुझे दो टीरेक्स दिखे। एक टीरेक्स को तो हमने मार दिया था और काफ़ी सारे पैंथर थे। तो कुछ पैंथर्स को तो मैं उधर रेड वुड में लेके चला गया था, तो वो उधर लड़ लड़ के किसी से मर गए होंगे। लेकिन जो अभी यहाँ पे एक टीरेक्स बचा है जो कि हमारे पीछे पीछे आ रहा है, यहाँ पे हमें टेम करने नहीं दे रहा है, मतलब काफी मुश्किल कर रहा है, इसके वजह से हम टेम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा दो काम होगा। पहला काम ये होगा कि इसको या तो मार दे या फिर इसे रेड वुड में कहीं अंदर ले जाके छोड़ दे। तो अभी हमारे पास जो ट्रैंक एरो है वो 23 बचा है, जो कि ऑब्वियसली मेरे काम आने वाला है, तो मैं इसे तो यूज नहीं करने वाला हूँ। लेकिन एक गन मैंने और बनाया है यहाँ पे खड़े खड़े रह के। देखिए अभी ये बेस के तरफ जा रहा है रामी मानस, अभी ये उसके पीछे पीछे बेस के तरफ जा रहा है। मतलब ये ऐसा ऐसा डायनो है कि ये किसी को जिंदा रहना नहीं छोड़ने दे। अभी ढहरा है और मेरे पीछे लगा है। आ जा तेरे को आज मैं सबक सिखा देता हूँ। बस नीचे रहियो साले। लेट्स गो बॉयज। अभी इसको हम शॉटगन देने वाले। वो सिट भाई नीचे आ गया और एक शॉटगन अगर गलती से भी इसे लगता है तो मेरा डाइनो भी डाउन हो जाएगा। ऑल राइट, आते हैं और इस दोनों में यहाँ पे इसको फाइट करवा देते हैं। बस कोई ऑल राइट, आई थिंक फाइट हो गया इन दोनों में। ऑल राइट, तो इन दोनों में फाइट हो गया, तो इसका हमें अभी फ़ायदा उठाने वाले हैं और यहाँ पे इसे शॉटगन देने वाले हैं। आ जा बेटे, आ जा। इसको शॉटगन अभी देने वाले हैं। जब तक ऊपर आएगा तब तक इसको आ जा। इसको ये ले हेड, एक हेड और दहाड़ के क्या ही कर लेगा, मेरे तक पहुंचेगा तब ना। यही खड़े रह। ऑल राइट, तो इसको हम लोग डाउन करने वाले हैं, तभी हम अर्जेंटेविस को टेम कर पाएंगे। इसको टेम करने के लिए एक स्पेशल किबल चाहिए जो कि अभी हमारे पास है नहीं, उसे हमें बनाना होगा। ले साले, लेट्स गो। ओ सिट भाई, 24 लेवल का ये अर्जेंटेविस था और वाइट कलर का था, काफ़ी रेयर था। मैंने इसका पहले लेवल तो चेक नहीं किया था। ऑल राइट, कोई नहीं, अभी हमने तो इसको मार दिया है। अभी हम इसको इसमें से जो भी चीज़ हमें मिलता है अब अभी हम इसमें से लेने वाले हैं। लेट्स गो, अभी हम निकालते हैं अपना तलवार। आजा बेटे। अरे साला ये कहाँ उड़ गया। अबे आ नज़दीक आ। लेट्स गो। ऑल राइट, तो अभी हम यहाँ से उड़ के आ चुके हैं। तो अभी यहाँ का एरिया क्लियर है। अभी एक बार और चेक कर लेते हैं, इधर और कोई आया नहीं ना है, और सारे मेहमान तो नहीं आए हैं। नहीं, अभी इधर का एरिया पूरा क्लियर है और कोई मेहमान इधर को नहीं है। तो अभी यहाँ पे तो मैंने 5 लगा दिया, आई थिंक 5 से होने वाला नहीं, अभी ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और इधर को। ऑल राइट, तो यहाँ पे तो एक अर्जेंटेविस हमें मिल गया इधर को। लेट्स गो, तो अबे हमें क्या होना है, इसके नज़दीक खड़ा होना है और इसको गन से मारना है। कौन से गन से? ये जो 5 नंबर पे मेरे गन है उससे। बस निशाना लग गया सही से। ओ सिट भाई, नहीं लगा, इसके नज़दीक जाना होगा आई थिंक। आ जा। ये आई थिंक अभी वहाँ पे लैंड करने वाला है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम नज़दीक जाने वाले हैं। बस थायला कोबा इसके पेड़ से ऊपर से आके और मेरे ऊपर ही ना लंच हो जाए, उस चीज़ का डर सिर्फ मेरे को रहता है। रेड वुड में कहाँ जाएगा भाई, आई थिंक वहाँ तक गोली पहुँच नहीं पा रहा है और बिना मतलब कहा।
किधर गया बे? अच्छा ओ चचा अबे साला ये तो फंसा दिया मेरे को। लेट्स गो अभी ऊपर चलो अभी। अर्जेंटीना भी गायब हो गया। इधर को अर्जेंटीना भी खोल देता अभी, मेरे को भूख लगा है। इधर को भी काफ़ी ज़्यादा अर्जेंटेविस थे लेकिन इस टाइम एक भी नहीं दिख रहा है। जब काम पड़ा तो एक भी नहीं दिख रहा है। और ये भी साला रेड उड के अंदर भाग गया। ऑल राइट मुझे दिखा रेड कलर का दिखा। लेट्स गो बस रात ना होए यार, रात ना होए। ये तो रात होने लग गया। ओ भाई नीचे भी रैक्स है, नीचे जाएंगे तो वो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी चलते हैं अपने बेस पे और देखते हैं आगे क्या करना है। बैक टू बेस और देखते हैं आगे क्या करना है। हम इसमें स्टेमिना देने वाले हैं। अभी रात होने वाला है लेकिन नीचे एक अर्जेंटेविस है। लेट्स गो अभी तेजी से चलने वाले हैं और इसको धप्पा बोलने वाले हैं साले। अभी हमने इस पे अटैक कर दिया, अब ये हमारे साथ साथ आने वाला है। आजा आ रहा है। आजा शीश भाई ये क्या चल रहा है इधर तो। आवा बस इसमें मतलब फंसाने में हम लोग कामयाब रहे भाई। अपना प्लान फिर से फेल हो गया। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये साला कहाँ से आ गया समझ नहीं आ रहा मेरे को। आ जा इधर से। इसको आई थिंक अब हम अब ये भागने लगा। आई थिंक इसको ज़्यादा डैमेज मिल गया अभी इसको ज़्यादा डैमेज मिल गया। इसको नीचे गिराने वाले हम लोग। अभी इसको ज़्यादा डैमेज मिल गया ना। ओ भाई शेष भाई ओ यार शेष। अभी हमने इसको मार दिया यार। अभी देखो ये देखो अलग नाटक चल रहा है ये तो। अभी इसको फिर से इन्वेंट्री खोलना होगा। पता नहीं यार इन्वेंट्री खोलने के बाद से मेरा फेस कैम अटक जा रहा है। अलग सीन चल रहा है इधर तो। और तलवार हम अपना निकाल लिया और इसे जो चीज़ हमें लेना था वो ले चुके हैं। अब चलते हैं। एक अर्जेंट एविस हमने और टेम कर दिया। अब हमको लगता है कि ये ऑलराइट बॉयज तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम मेहनत और मशक्क़त करने के बाद से हमने फाइनली इसको ट्रैप कर दिया है अपने ट्रैप में, वो भी लेवल 30 का। और अभी इसे हम स्टंट करने वाले हैं। क्या हम 30 एरो में इसको स्टन कर पाएंगे? ओ भाई ओ सेट इसको क्या हम 30 एरो में टेम कर पाएंगे? ओ ऑन कॉन्शियस हो गया फाइनली। ये ऑन कॉन्शियस हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं ओ भाई
किधर से अंदर जाने का। ऑल राइट, तो अभी 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 हम इसके अंदर डालने वाले हैं। सबसे पहले इसको गन को हम लोग अंदर रख लेते हैं, और सबसे पहले हम इसके इन्वेंट्री में डालने वाले हैं ये कीबल, जिससे कि ये टेम होना स्टार्ट हो जाए। ओ लेट्स गो। ऑल राइट, तो ये कुछ ही देर में टेम हो जाएगा, तब तक हम बाहर वेट कर लेते हैं और फिर इसको हम लेके और अपने बेस के तरफ उड़ान भरेंगे। इसका सैडल भी बनाना होगा हमें, और यहाँ पे हमारा स्मिटी टेबल यहीं पे है बगल में, तो इसका सैडल भी हम लोग बना लेते हैं। ऑल राइट, तो इसका सैडल बनाने के लिए सारा सामान मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी पड़ी हुई है। और फिर से हम इसको अभी कुछ देर में ये ठीक होने वाला है, और फिर इसे लेके हम अपने बेस पे जाएंगे। लेट्स गो। ऑल राइट बॉयज, तो फाइनली अर्जेंट एविस हमारा टाइम हो चुका है। अभी ये 30 लेवल का था, लेकिन जैसे ही टेम हुआ तो इसका 7 लेवल बढ़ गया, तो ये अभी हो गया है 37 लेवल का। अभी हमने इसका कुछ नाम नहीं रखा है, हम एक्सेप्ट मतलब ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि ये कोई तो हमें नाम देगा इसमें क्या बोला जाता है। अभी इसको हमने इसको कमेंट सेक्शन में, तो अभी इसको हमने अनफॉलो करके रखा है, तो इसका बिहेवियर हम फॉलो कर देते हैं ताकि ये हमारे पीछे पीछे आता रहेगा, और इसको लेके हम लोग उड़ने वाले हैं। लेट्स गो भाई। इसका जो नॉर्मल ही उड़ने का जो स्पीड है वो इससे इसके बराबर है। तो अभी कोहरा हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी हम इधर से निकलने वाले हैं। और ऑल राइट, तो एक लेवल भी बढ़ गया है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं अपने बेस पे, जो कि हमारा बेस सीधे इधर है। हमें सिर्फ हमें इधर इस पे चलते रहना है और हम उधर को पहुँच जाएंगे। लेट्स गो। ऑल राइट, तो ये मेरे पीछे ही आ रहा है, दूर नहीं चल रहा है, तो अभी हम सबसे पहले बाहर देते हैं। लेट्स गो। ओ भाई। ऑल राइट बॉयज़, तो अभी हम अपने अर्जेंट एविस 38 लेवल का हो चुका है, और इसे लेके हम आ चुके हैं अपने पुराने वाले बेस पे। ऑल राइट, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।